गाइस वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैंने अभी जस्ट ऑर्डर दी है। ऑर्डर मुझे आई है बॉक्स सेट से, जहाँ पे मैंने आज ऑर्डर दिया था होम कुक होम स्टाइल कुक चिकन जो है उसका मील यहाँ पे मैंने परचेस किया है ईट क्लब से। जैसे कि आपको पता है वहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे मतलब डिस्काउंट मिल जाता है, तो यहाँ से मैं मोस्टली परचेस करता हूँ। और फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म मैंने बॉक्स सेट से ये परचेस किया है। तो ये होम कुक चिकन है, तो मुझे ट्राई करना था। नॉर्मली मैंने वहाँ से मतलब बटर चिकन या फिर जो भी दूसरे हैं वो मैंने काफी बार ट्राई किए, जो है वो फर्स्ट टाइम या फिर होम स्टाइल जो मील है ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा, शायद से नया आया है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर होम स्टाइल जो चिकन है इसकी टेस्ट कैसे होम मतलब घर जैसी है या नहीं वो देखते हैं, एंड ओवरऑल क्वालिटी कैसी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हो इस तरह से मुझे ये जो डिलीवरी वो आई है बॉक्स सेट से। एज यूजल उनका ये बॉक्स होता है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से मतलब पैकिंग की है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आप देखोगे चम्मच एक मिला है। तो इसमें राइस नहीं है, तो मतलब इस टाइम पे मैंने सिर्फ पराठे मतलब ऑर्डर किए थे, और पराठे और चिकन, और उसके साथ क्या क्या वो भी हम लोग देखते हैं। तो इस मील के अंदर दोस्तों 3 पराठे मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं। ओके, और इसका प्राइस जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितने में मैंने इसको परचेस किया है विद सम डिस्काउंट, तो वो भी इसके अंदर एडेड है। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे ये कस्टमाइज आप करके ले सकते हो। अगर आपको लेट से आपको पराठे मतलब पराठे के साथ अगर आपको राइस भी चाहिए, बासमती राइस जो होता है तो वो हाफ चाहिए, तो वो आप हाफ ऐड कर सकते हो। उसका शायद 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है। प्लस इसमें आपको ये जो अभी मैंने फिलहाल दाल मखनी ऐड की है उसके बजाय अगर आपको यू नो राजमा चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे घी का जो हलवा है वो है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी कम लग रही है, आई डोंट नो, बट देखते हैं। तो इसके अलावा मतलब इसके बजाय अगर आपको हलवा जो है उसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में आपको गुलाब जामुन मिल जाते हैं, तो ये देखो आप देख सकते हो मतलब घी का हलवा है, थोड़ा कम लग रहा है मुझे क्वांटिटी में। नॉर्मली मैं परचेस करता हूँ तो ऊपर तक होता है, बट ठीक है, नो इश्यूज़, कभी कभार हो जाता है 19-20। बट जो मेन चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पे ये है होम स्टाइल जो मतलब चिकन जो है वो मतलब मुझे चेक करना है ये होम स्टाइल जैसे उन्होंने बताया वैसा है या नहीं। बिकॉज नॉर्मली मैंने चिकन मतलब यू नो चिकन बटर चिकन वाला मतलब टेस्ट किया है। ओके, चिकन लबाबदार ये ऐसे कुछ है, चिकन टिक्का मसाला वो भी एक था, यस मुझे अभी नाम याद है। तो दोस्तों मतलब मैं खाता हूँ लेकिन यू नो नाम इतने सब मुझे याद नहीं रहते मोस्टली डिशेस के जितने भी। तो पराठे हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 पराठे आपको मिलेंगे जैसे उनके रहते हैं ट्रायंगल शेप में। ये देखिए 3 पराठे हैं यहाँ पे, इसको साइड में रखता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे 3 पराठे हैं और यहाँ पे ये चिकन है। ओके, तो इसको मैं लेके थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसकी ग्रेवी जो है वो सब ज़रा देखते हैं हम लोग कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रेवी मतलब थोड़ी सी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब घर जैसा मतलब हल्का फुल्का मुझे लग रहा है, लेकिन टेस्ट करने के बाद पता चलेगा दोस्तों। चिकन के पीस भी यहाँ पे है अच्छे खासे, और इसका जो अरोमा आ रहा है वो थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है घर जैसा। बट यस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ पहले इसकी टेस्ट कैसी है। मतलब पराठे के साथ तो खाऊंगा, बट ऐसे नॉर्मल चेक करके देखते हैं। अच्छी, थोड़ा सा अलग है टेस्ट। मतलब बटर चिकन और ये सब चीज़ें हम लोग मतलब खाते हैं तो पता चल जाता है होटल का है बाहर का है, बट इसकी टेस्ट थोड़ी घर जैसी ही लग रही है एक्चुअल में। ऑनियन वगैरह जो होता है ना मतलब मसाला वगैरह वैसा हम लोग वाटप बोलते हैं मराठी में, वैसा मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देखता हूँ अभी इसके साथ पराठे के साथ। अच्छा है दोस्तों। रियली अच्छा है, मतलब घर जैसा फ्लेवर है, होम कुक जो बोला है उन्होंने या फिर होम स्टाइल तो वैसा स्टाइल है। मतलब एकदम 100% वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन है मतलब टेस्ट वैसा लग रहा है उसका, और काफ़ी अच्छी मतलब जो ग्रेवी है ना उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। सो दोस्तों
आप ट्राई आउट कर सकते हो ये चीज़। अच्छा है, वर्थ इट है। चलो दोस्तों, मेरे एंड से तो मतलब वो ऐड है, अगर आपको परचेस करना है मतलब ऑर्डर करना है तो कर सकते हो। और अगर आपको फ्लैट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए ऑन फर्स्ट 3 ऑर्डर्स, तो आप मेरा जो कूपन कोड है वो यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर आप उससे परचेस करते हो तो फ्लैट 200 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एनी ऑर्डर फ्रॉम ईट क्लब। ओके, आपको ईट क्लब से परचेस करना है वो जो भी आप परचेस करने वाले हो। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इसको यू नो ट्राई कर सकते हो। मैं थोड़ा हलवा भी खा के देखता हूँ, बहुत दिन से खाया नहीं मैंने ये। तो दोस्तों हलवा भी जो है ना इनका बहुत ही मतलब अच्छा रहता है, देख सकते हो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लोग डालते हैं अच्छा खासा, और घी मतलब प्योर दिखता है, आप देखो देख सकते हो कितना घी है ऊपर। सुपर। तो दोस्तों अभी मैं मेरा जो ये मील है वो एन्जॉय करने वाला हूँ, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जो रिव्यूज़ है वो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज इस चैनल पे आपको कंज्यूमर सेंट्रिक बहुत सारी चीज़ें, बहुत वास्ट मतलब चीज़ें अलग अलग देखने के लिए मिलती है रिलेटेड ट्रैवलिंग, फूड, यू नो प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। सो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आने आने वाला है या फिर आ सकता है। सो गाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड जैसे मैंने आपको बताया जो कूपन कोड है वो दिया है फॉर 200 रुपीज़ फ्लैट डिस्काउंट। ओके गाइज, सो टिल देन कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।